तो दोस्तों, किसी भी एक कैंडलस्टिक से हमें इन चार चीजों के बारे में पता चलता है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। और कोई सी भी कैंडलस्टिक सिर्फ इन दो चीजों को मिलाकर ही फॉर्म होती है, पहली उसकी बॉडी और दूसरी जो हम उसके ऊपर और नीचे थिन लाइंस देखते हैं, जिन्हें हम लोग विक्स, शेडो, हेयर जैसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कैंडल की बॉडी का काम होता है किसी कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस के बारे में बताना, और वहीं विक्स का काम होता है आपको कैंडल की फॉर्मेशन के दौरान उस सेशन की जो भी हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइसेस थी उसके बारे में बताना। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो ग्रीन बॉडी वाली कैंडलस्टिक होती है, जो कि किसी शेयर में बाइंग को रिप्रेजेंट करती है, उनमें प्राइसेस बॉडी के बॉटम से ओपन होकर बॉडी के टॉप पर क्लोज हो जाती हैं। और वहीं एक रेड बॉडी कैंडलस्टिक जो कि किसी शेयर में सेलिंग यानी प्राइसेस में गिरावट के बारे में बताती है, उस तरह की कैंडलस्टिक्स में प्राइसेस बॉडी के टॉप से ओपन होकर बॉडी के बॉटम पर क्लोज हो जाती हैं। तो दोस्तों, एक बार आपने इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया, अब आपके लिए इन पांच पैटर्न्स को समझना काफी आसान हो जाएगा। हम सबसे पहले जिस पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लॉन्ग विक कैंडल्स। लॉन्ग विक का मतलब एक ऐसी कैंडलस्टिक जिसमें ट्रेंड के डायरेक्शन में हमें एक लंबा विक या फिर थिन लाइन देखने को मिल रही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि किसी शेयर की प्राइसेस एक डाउन ट्रेंड में हो, मतलब उसमें हमें गिरावट आते हुए देखने को मिल रही हो, और फिर उसमें एक सपोर्ट लेवल के पास एक ऐसी कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाए जिसमें ट्रेंड के डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ एक लंबा विक फॉर्म हो जाए, और कैंडल में ऊपर की तरफ एक स्मॉल बॉडी हो, और कैंडल की बॉडी के ऊपर या तो बिल्कुल भी विक देखने को ना मिले, या फिर अगर विक है भी तो वो काफी छोटा हो। कैंडल का कलर रेड या फिर ग्रीन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, जब कुछ इस तरह की कैंडलस्टिक एक डाउन ट्रेंड के बाद किसी सपोर्ट लेवल के ऊपर फॉर्म हो जाए, तो यहां से प्राइसेस की अप ट्रेंड में जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों एक लॉन्ग विक कैंडल एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। अब दोस्तों, ये सपोर्ट लेवल क्या होता है, इन्हें हम चार्ट्स पर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको लॉन्ग विक कैंडल के बाद जब एक ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल बनते हुए देखने को मिले, जो कि उस लॉन्ग विक कैंडल के हाई के ऊपर एक सक्सेसफुल क्लोजिंग दे दे, तो हम उस कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग प्राइसेस पर लॉन्ग यानी बाय साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस को हम लॉन्ग विक कैंडल के लो के नीचे प्लेस कर देंगे, और यहां पर हमारे जो टारगेट्स होंगे वो होंगे प्रीवियस स्विंग हाई, जिसे हम रेजिस्टेंस भी बुलाते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए हमें लॉन्ग विक पैटर्न को अप ट्रेंड में ट्रेड करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, जब हमें किसी शेयर की प्राइसेस अप ट्रेंड में देखने को मिल रही होती है, और जब प्राइसेस एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे पहुंचती हैं, और उसमें अगर एक ऐसी कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाती है जिसमें कैंडल के ऊपर का विक काफी लंबा हो और एक स्मॉल बॉडी हो, और बॉडी के नीचे हमें काफी छोटा या बिल्कुल भी विक देखने को ना मिल रहा हो, तो इस प्रकार की कैंडलस्टिक को हम लोग एक लॉन्ग विक कैंडल बोलते हैं, और अप ट्रेंड के बाद जब ऐसी कैंडलस्टिक फॉर्म होती है तो उसे एक बेयरिश लॉन्ग विक कैंडल कंसीडर करा जाता है। यहां पर भी कैंडल की बॉडी का कलर मैटर नहीं करता है। और दोस्तों, जब हमें अप ट्रेंड के बाद ऐसी लॉन्ग विक कैंडल बनते हुए देखने को मिल जाए, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब यहां से शेयर की प्राइसेस डाउन ट्रेंड में जा सकती हैं, यानी यहां पर हमें एक गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है। इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए आपको पहले एक रेड कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, जो कि हमें उस लॉन्ग विक कैंडल के लो के नीचे सक्सेसफुल क्लोजिंग दे दे। तो हम उस रेड कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग प्राइसेस पर शेयर को शॉर्ट सेल कर सकते हैं, यानी कि हम उसे बेच सकते हैं, और इस केस में हमारे टारगेट होंगे प्रीवियस स्विंग लो, जिसे हम सपोर्ट भी कह सकते हैं, और अपने स्टॉप लॉसेस को हम लॉन्ग विक कैंडल के हाई के ऊपर प्लेस कर देंगे। अब दोस्तों, जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न। और दोस्तों, ये पैटर्न भी लॉन्ग विक कैंडल पैटर्न की तरह ही एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। बस यहां पर फर्क सिर्फ इतना है कि जहां हमें लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न्स में
ट्रेंड के डायरेक्शन में एक लंबा विक देखने को मिल रहा होता है, वहीं उसके कंपैरिजन में हमें जो इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उनमें हमें ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लंबा विक या थिन लाइन देखने को मिलती है, इसलिए इनका नाम होता है इन्वर्टेड लॉन्ग विक्स। अब चलिए इन पैटर्न्स को भी हम एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल्स की मदद से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कोई शेयर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है और जब प्राइसेस एक सपोर्ट लेवल के पास पहुंचती हैं तो उस सपोर्ट लेवल के ऊपर हमें एक ऐसी कैंडलस्टिक फॉर्म होते हुए देखने को मिलती है जिसमें हमें कैंडल के ऊपर एक लंबा विक देखने को मिलता है और कैंडल की बॉडी के नीचे या तो बिल्कुल भी विक देखने को नहीं मिलता है या फिर यहाँ पर हमें एक काफी छोटा विक देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर भी कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, वो रेड भी हो सकती है या ग्रीन भी हो सकती है। एक क्वेश्चन आप सबके मन में ये आ रहा होगा कि जब एक लॉन्ग विक कैंडल जिसमें हमें बॉडी के नीचे की तरफ एक लंबा विक फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है और वो हमें एक बुलिश सिग्नल देती है डाउन ट्रेंड के बाद किसी शेयर में अगर वो सपोर्ट के ऊपर फॉर्म होती है तो एक बुलिश सिग्नल देती है, तो फिर यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में जब एक इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल बन रही है जिसमें कैंडल के ऊपर एक लंबा विक देखने को मिल रहा है तो फिर ये पैटर्न भी हमें एक बाय सिग्नल आखिर क्यों दे रहा है। तो दोस्तों इसे समझने के लिए आपको इन कैंडल्स में बन रहे विक्स के पीछे की साइकोलॉजी को समझना होगा। दोस्तों एक लॉन्ग विक कैंडल जिसमें हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में फॉर एग्जाम्पल एक डाउन ट्रेंड में जो लॉन्ग लोअर विक बनते हुए देखने को मिलता है वो हमें एक की सपोर्ट लेवल के पास रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस के बारे में बता रहा होता है, इसीलिए हम उस पैटर्न को एक बुलिश पैटर्न कंसिडर करते हैं। वहीं एक डाउन ट्रेंड में जब एक इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल बनती है तो वो आपको एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास काफी ज्यादा सेलिंग हो जाने के बाद मार्केट में बायर्स की वापसी की ओर संकेत दे रही होती है, क्योंकि एक लॉन्ग अपर विक कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा होता है कि एक समय पर बायर्स ने प्राइसेस को विक के टॉप पर ले जाने की कोशिश करी लेकिन सेलर्स ने दोबारा प्राइसेस को नीचे पुश करके क्लोज कर दिया। लेकिन हमें यहाँ इतना तो क्लियर हो जाता है कि बायर्स यहाँ फिर से मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हमें यहाँ पर इस इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल के ऊपर एक सक्सेसफुल क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ एक बाय सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा। और दोस्तों इस पैटर्न में ट्रेड करने के लिए आपको कंफर्मेशन कैंडल जिसने इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल के हाई के ऊपर हमें एक सक्सेसफुल क्लोजिंग दी हो उस कैंडल की क्लोजिंग प्राइसेस पर हम अपने ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉसेस को इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल के लो के नीचे या फिर सपोर्ट लेवल के नीचे प्लेस कर देंगे और हमारे टारगेट अगेन होंगे प्रीवियस स्विंग हाई या फिर रेजिस्टेंस लेवल। अब दोस्तों अगर हमें इस पैटर्न को एक अपट्रेंड में ट्रेड करना हो तो वो कैसे करेंगे? अपट्रेंड के केस में जब प्राइसेस अपने रेजिस्टेंस लेवल के नीचे पहुंचती हैं और वहां हमें अगर एक इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल देखने को मिल जाती है, मतलब एक ऐसी कैंडल जिसमें नीचे की तरफ प्राइसेस अपट्रेंड में है लेकिन हमें कैंडल के बॉडी के नीचे की तरफ एक काफी लंबा विक देखने को मिलता है तो वो हमें मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के बाद एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के नीचे सेलर्स की वापसी के बारे में बता रहा होता है। और अगर हमें यहाँ पर एक रेड कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनते हुए देखने को मिल जाती है जो कि इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल के लो के नीचे हमें एक सक्सेसफुल क्लोजिंग दे दे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सेल सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा। अप ट्रेंड में बनने वाली इस इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल को इसका कलर रेड हो या फिर ग्रीन इससे फर्क नहीं पड़ता है, हाँ लेकिन क्योंकि ये पैटर्न हमें एक बेरिश यानी शॉर्ट सेलिंग सिग्नल देता है इसीलिए एक रेड बॉडी वाली इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल एक ग्रीन बॉडी वाली इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल के तुलना में ज्यादा अच्छे से काम करेगी ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। और दोस्तों इस पैटर्न में हमें अपट्रेंड के बाद कैसे ट्रेड करना है यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न और ये एक बहुत ही ज्यादा आसान लेकिन काफी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है क्योंकि ये चार्ट्स पर काफी कॉमनली देखा जाता है। इसके बारे में हम और बात करेंगे, उससे पहले अगर हमारा पढ़ाने और समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि आप ट्रेडिंग करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स और प्राइस एक्शन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर आप इंडिकेटर्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में यानी मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस किया था जिसका नाम था लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये पैटर्न बिल्कुल उसी के जैसा होता है, बस यहाँ पर फर्क ये होता है कि इस पैटर्न में
हमें एक से अधिक लॉन्ग विक कैंडल्स देखने को मिलती हैं। इसलिए इसका नाम मल्टीपल लॉन्ग विक पैटर्न्स होता है। दोस्तों, ये जो लॉन्ग विक कैंडल्स होती हैं, ये ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल तो देती ही हैं। इसके साथ साथ ये हमें किसी शेयर की प्राइसेस में वोलेटिलिटी के बारे में बताती हैं। ये पैटर्न हमें बुल्स और बेयर्स के बीच में एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास चल रहे स्ट्रगल या टसल के बारे में बताता है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि ये जो स्ट्रगल है, ये हमें थोड़ा लंबे समय के लिए चलते हुए देखने को मिलता है, तभी तो हमें इस तरह की मल्टीपल लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में समझाया था कि ये जो लॉन्ग विक है, ये कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन ऑफ हायर और रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस के बारे में बताता है। अब बात कर लेते हैं कि इस पैटर्न में हमें ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे पहले एक अपट्रेंड के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो जब प्राइसेस एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे पहुंचती हैं और हमें वहां एक से ज्यादा ऐसी कैंडल्स देखने को मिलती हैं जिनका ट्रेंड के डायरेक्शन में, यानी कैंडल की बॉडी के ऊपर की तरफ एक लंबा विक फॉर्म हुआ हो, तो हमारा लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बन चुका होता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक रेड कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, जो इन मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न के लो को ब्रेक करके उसके नीचे एक सक्सेसफुल क्लोजिंग दे दे। उसके बाद हम यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। टारगेट्स और स्टॉप लॉस और एंट्री आपको कैसे लगाना है, ये आप अपनी स्क्रीन्स पर इस वक्त देख सकते हैं। और अगर हमें डाउन ट्रेंड में एक मल्टीपल लॉन्ग विक पैटर्न देखने को मिलता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन के बाद जब प्राइसेस एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास पहुंचती हैं और हमें यहाँ पर मल्टीपल यानी एक से ज्यादा ऐसी लॉन्ग विक कैंडल्स देखने को मिलती हैं जिनमें हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में यानी बॉडी के नीचे लंबे विक्स देखने को मिलते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि बुल्स प्राइसेस को एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे नहीं जाने दे रहे हैं और अब मार्केट कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड कंडीशन में पहुंच चुकी है। और अगर हमें यहाँ पर इन मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स के हाई के ऊपर एक सक्सेसफुल क्लोजिंग मिल जाती है, तो यहाँ बुल्स की पकड़ हमें और ज्यादा मजबूत होते हुए देखने को मिलेगी और हम यहाँ पर एक बाय साइड के ट्रेड में एंटर कर पाएंगे। अभी आप में से काफी सारे लोगों के मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि ये जो हम लोग बार बार इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो में आपको आगे कुछ ऐसे कमाल के टूल्स और इंडिकेटर्स के बारे में मैं बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग को काफी ज्यादा आसान कर देंगे। आप वीडियो में आगे तक बने रहें। पहले दोस्तों, हम लोग जल्दी से जो हमारे रिमेनिंग दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है द मोमेंटम कैंडलस्टिक पैटर्न। और जैसा हमें इसके नाम से पता लग रहा है कि ये हमें किसी शेयर में स्ट्रॉन्ग होते बुलिश या फिर बेयरिश मोमेंटम के बारे में बता रहा होता है। और दोस्तों, एक मोमेंटम कैंडलस्टिक वो होती है जिसमें हमें सबसे पहले एक लॉन्ग बॉडी देखने को मिलती है और उस बॉडी में हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में या तो बिल्कुल भी विक देखने को नहीं मिलता है, या फिर अगर विक होता भी है तो वो काफी स्मॉल होता है। तो मतलब स्टॉक अगर अपट्रेंड में है तो एक ग्रीन मोमेंटम कैंडलस्टिक फॉर्म होगी जिसमें आपको कैंडल के ऊपर विक देखने को नहीं मिलेगा या फिर एक स्मॉल विक देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक मोमेंटम कैंडलस्टिक पैटर्न्स बाकी के जो पैटर्न्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उनसे काफी अलग है, बिकॉज ये एक ट्रेंड रिवर्सल के बजाय एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न ज्यादा होता है। और दोस्तों, यही वजह है कि एक मोमेंटम कैंडलस्टिक पैटर्न एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैंडलस्टिक के तौर पर काफी अच्छे तरीके से काम करता है। तो चलिए, इसे हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें इसमें बाय साइड के ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहला सिनेरियो दोस्तों यहां पर यह है कि चलिए मान लेते हैं कि कोई स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में देखने को मिल रहा है और जब वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के नीचे पहुंचता है तो हमें वहां पर एक मोमेंटम कैंडलस्टिक के साथ एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट देखने को मिलता है जिससे हमें स्टॉक में स्ट्रॉन्ग होते बुलिश मोमेंटम के बारे में पता चलता है। दोस्तों, इस तरह का मोमेंटम कैंडलस्टिक आपको ज्यादातर किसी बड़ी न्यूज या फिर बड़े इवेंट की वजह से चार्ट्स पर बनते हुए देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडलस्टिक के ब्रेकआउट के साथ अगर हमें वॉल्यूम्स का भी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा हो तो हमारा मोमेंटम कैंडलस्टिक और भी ज्यादा अच्छे से काम करेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और दोस्तों, दूसरा यहाँ पर सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ पर स्टॉक की प्राइसेस हमें पहले एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रही हो, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर हमें पहले एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनते हुए देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए
लॉन्ग विक पैटर्न्स, मल्टीपल लॉन्ग विक पैटर्न, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन मोमेंटम कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाती है, जिसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर जो हमें एक रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा था प्राइसेस में, उसके फर्दर कंटिन्यू होने की चांसेस यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हमें मोमेंटम कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड करना है तो हम मोमेंटम कैंडलस्टिक की क्लोजिंग प्राइसेस पर एक बाय साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को हम लोग मोमेंटम कैंडलस्टिक के नीचे प्लेस कर देंगे, या फिर अगर हम यहाँ पर थोड़ी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो हम लोग मोमेंटम कैंडल का जो 50% रिट्रेसमेंट पॉइंट है उसके नीचे अपने स्टॉप लॉसेस को प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस तरह के पैटर्न के बनने के बाद स्टॉक में अपट्रेंड जारी रहने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। और वहीं अगर मान लीजिए हमें एक मोमेंटम कैंडल के बेसिस पर शॉर्ट सेल करना है, उसके लिए जो दो बेस्ट सिनेरियोज हैं वो ये हैं। सबसे पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि मान लीजिए स्टॉक की प्राइसेस एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होती हैं और उसमें हमें एक सपोर्ट लेवल के नीचे एक रेड मोमेंटम कैंडल स्टिक के साथ एक सक्सेसफुल ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो हम उस मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग प्राइसेस पर एक शॉर्ट साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। और दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये हो सकता है कि प्राइसेस पहले एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में हो और उस अपट्रेंड के बाद जैसे ही प्राइसेस अपने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के नीचे पहुँचती हैं और यहाँ पर हमें एक रिवर्सल पैटर्न बनते हुए देखने को मिलता है, जैसे कि कोई लॉन्ग विक या इन्वर्टेड लॉन्ग विक पैटर्न, और उसके बाद अगर यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाती है तो यहाँ पर प्राइस सेक्शन से ये कन्फर्म हो जाता है कि प्राइसेस में ये जो फॉल आते हुए देखने को मिल रहा है ये आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। और यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए हम लोग मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को हम लोग मोमेंटम कैंडलस्टिक के ऊपर, या अगर मान लीजिए स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल है तो अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कम करके अपने स्टॉप लॉसेस को और वाइड करके रेजिस्टेंस के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉसेस लगाना और ठीक तरह से लगाना ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में एक चीज जो यहाँ पर सर्टेन होती है वो होती है रिस्क। इसीलिए अगर हम अपनी रिस्क को हमेशा अच्छे से मैनेज करते हैं तो हमारी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहने की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ लेट्स डिस्कस आवर फिफ्थ कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसका नाम है श्रिंकिंग कैंडल पैटर्न, और उसके बाद मैं आपके साथ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड और अदर इम्पॉर्टेंट टूल्स जैसे कि फिबोनाची, पिवट पॉइंट्स, RSI, EMA को डिटेल में डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो श्रिंकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है ये अभी तक के डिस्कस किए गए बाकी के पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये हमें मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास लॉस ऑफ मोमेंटम या फिर इनडिसीजन के बारे में बताता है। अब समझ लेते हैं कि ये पैटर्न कैसे फॉर्म होता है और इसके बेसिस पर हमें कैसे ट्रेड करना होता है। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं एक अपट्रेंड का। मान लेते हैं कि किसी शेयर की प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ रही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे प्राइसेस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे पहुंच रही होती हैं, वैसे वैसे आप नोटिस करते हैं कि कैंडलस्टिक्स की बॉडी का साइज लगातार छोटा होता चला जा रहा है, जो कि हमें स्टॉक में वीक होते बाइंग मोमेंटम के बारे में बता रहा होता है। तभी तो प्राइसेस में जो इंक्रीज आ रहा है वो लगातार कम आ रहा है, जिसकी वजह से कैंडलस्टिक की जो बॉडीज हैं वो काफी छोटी बन रही हैं। और जब प्राइसेस फाइनली अपने रेजिस्टेंस लेवल के नीचे पहुंचती हैं तो वहां पर एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है, जो लास्ट वन और टू श्रिंकिंग कैंडल्स के लो के नीचे सक्सेसफुल क्लोजिंग दे दें तो हमारा यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का एक परफेक्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है ये आप अपनी स्क्रीन्स पर इस वक्त देख सकते हैं। इसी तरह जब हमें किसी स्टॉक की प्राइसेस जब एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रही होती हैं और जैसे जैसे प्राइसेस अपने की लेवल यानी सपोर्ट के पास पहुंचती हैं, तो वहां हम नोटिस करते हैं कि जो रेड कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही हैं उनकी बॉडीज का साइज लगातार कम होता चला जा रहा है, जो कि हमें बाजार में अगेन घटती वॉलेटिलिटी के साथ साथ शेयर में वीक होते सेलिंग मोमेंटम के बारे में बताता है। और इसके साथ साथ यहाँ एक की सपोर्ट लेवल का मौजूद होना हमारे लिए एडेड कंफर्मेशन की तरह काम करता है। और दोस्तों जब यहाँ पर एक ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल बन जाए जो प्रीवियस 2 या 3 श्रिंकिंग कैंडल्स के हाई के ऊपर एक सक्सेसफुल क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ पर लॉन्ग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पर ट्रेड करना है तो यहाँ पर हम लोग
जो ग्रीन कन्फर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है उसकी क्लोजिंग प्राइसेस पर हम अपने ट्रेड में एंटर करेंगे और अपने स्टॉप लॉसेस को हम एंट्री कैंडल के नीचे या फिर सपोर्ट लेवल के नीचे प्लेस कर देंगे। यहाँ पर भी हमारे जो टारगेट्स होंगे वो होंगे प्रीवियस स्विंग हाईज यानी कि नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस और जो वेरियस टूल्स एज वेल एज इंडिकेटर्स हैं जो हमारी ट्रेडिंग को काफी ज्यादा आसान बना सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जो भी दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होते हैं उसके साथ साथ कोई इम्पोर्टेंट अपडेट होती है या फिर मार्केट से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट न्यूज होती है तो मतलब ये सारी चीजें हम अपने टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, तो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स जिसे हम सप्लाई और डिमांड जोन्स भी बुलाते हैं ये क्या होती हैं और इन्हें कैसे ड्रॉ किया जाता है। सपोर्ट वो एरिया होता है चार्ट्स पर जहां पर हमें स्टॉक में पहले एक फॉल आने के बाद प्राइसेस ने वहां से टर्न किया हो, मतलब वहां पर हमें बाइंग इंटरेस्ट वापस आते हुए देखने को मिला हो। इसी प्रकार रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है जहां स्टॉक की प्राइसेस जब एक अपट्रेंड के बाद पहुंचती हैं तो हमें बाइंग रुकते हुए देखने को मिलती है और स्टॉक की प्राइसेस वहां से टर्न करके नीचे की ओर फॉल करने लग जाती हैं। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम यहां पर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए आप कैंडलस्टिक्स की बॉडीज के बॉटम पार्ट को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आप रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करके कैंडल्स के विक्स के लो से शुरुआत करके बॉडीज के बॉटम पार्ट को कनेक्ट करके यहां पर एक सपोर्ट जोन भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसी तरह आप रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर बस आपको उन स्विंग पॉइंट्स पर फोकस करना है जहां से प्राइसेस में गिरावट या फिर करेक्शन आया हो और इन्हें बनाने के लिए आप विक्स का जो हाई है वहां से शुरुआत करके कैंडलस्टिक की बॉडीज का जो टॉप मोस्ट पार्ट है वहां तक ले जाकर एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने रेजिस्टेंस लेवल को बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर हमें दूसरे टाइप ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो देखने को मिलते हैं उनका नाम होता है वर्टिकल स्लोपिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिन्हें हम ट्रेंड लाइंस भी बुलाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ट्रेंड लाइंस के ऊपर कुछ ही दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने बहुत डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस किया था। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसके अलावा एक ऐसा इंडिकेटर है जो एक कंप्लीट बिगिनर भी काफी इजी से यूज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पर ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर सकता है और उस इंडिकेटर का नाम है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। दोस्तों ये काफी पॉपुलर इंडिकेटर है क्योंकि दोस्तों मार्केट इन लेवल्स को काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर रिस्पेक्ट भी करती है। यहाँ पर आप इस इंडिकेटर की डिफॉल्ट सेटिंग भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको ट्रेडिशनल से चेंज करके फिबोनाची लेवल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दोस्तों वैसे तो ये टॉपिक काफी वास्ट है लेकिन जो पैटर्न्स हमने अभी तक वीडियो में डिस्कस करे उनको आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल की मदद से काफी इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले हमें एक अपट्रेंड में इसे कैसे ट्रेड करना है ये समझ लेते हैं। दोस्तों फिबोनाची सीरीज में कुछ नंबर्स होते हैं जैसे कि 23.6%, 38.2%, 61.8% एंड 78.6% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ और ये टूल आपको किसी भी ट्रेडिंग वेबसाइट पर इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल एक अपट्रेंड में जब किसी स्टॉक में बाय करना हो तो हम पहले जहां से प्राइसेस में एक अपट्रेंड स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर जहां तक भी प्राइसेस गई हैं उस पॉइंट तक ले जाकर हम फिबोनाची लेवल्स को प्लॉट कर देंगे और इस तरह हमारे पास वेरियस इंपॉर्टेंट की लेवल्स हमें यहां पर मिल जाएंगे। उसके बाद अपट्रेंड में पहले हम एक करेक्शन यानी डिप का वेट करेंगे। दोस्तों ज्यादातर बुलिश मार्केट्स में 38% रिट्रेसमेंट आना काफी कॉमन होता है और इसमें जो 50 और 62% रिट्रेसमेंट जोन्स हैं इनको गोल्डन जोन्स कंसिडर किया जाता है और आपको ज्यादातर प्राइसेस इन लेवल्स पर सपोर्ट लेते हुए भी देखने को मिलेंगी। तो एक बार आपने इन्हें चार्ट्स पर अच्छे से प्लॉट कर लिया उसके बाद अपट्रेंड में बाय करने के लिए आपको पहले रिट्रेसमेंट यानी टेम्परेरी थ्रोबैक या फिर शॉर्ट टर्म करेक्शन का वेट करना होगा। उसके बाद प्राइसेस अगर 38% लेवल पर जाके या हमारी जो गोल्डन जोन है 50 to 62% मैक्सिमम यहां तक जाके यहां पर अगर एक रिवर्सल पैटर्न बनता है जो पैटर्न हमने डिस्कस करे इट कुड बी श्रिंकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न तो इनमें से कोई भी एक पैटर्न बनता है इन फिबोनाची सपोर्ट लेवल्स के पास तो यहां पर हम लोग बाय करके चल सकते हैं।
इसी तरह एक डाउन ट्रेंड में अगर हमें सेल करना हो तो पहले हम लोग मूव की स्टार्टिंग पॉइंट से फिब लेवल्स को प्लॉट करना शुरू करेंगे, यानी कि हम लोग टॉप पर क्लिक करके वहां से ड्रैग करते हुए जहां तक भी हमें सेलिंग आते हुए देखने को मिल रही है वहां तक ले जाकर हम अपने फिब लेवल्स को प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्योंकि हमें यहाँ पर शॉर्ट सेल करना है इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहले एक पुल बैक का वेट करेंगे और जब प्राइसेस रिट्रेस होकर 38% या हमारी जो गोल्डन जोन है 50-62% यहाँ तक जाती है और यहाँ पर एक अगेन एक रिवर्सल पैटर्न बनता है, एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट सेल करने की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगी। इसके साथ साथ हम अपने ट्रेड के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ इंडिकेटर्स की मदद भी ले सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में। तो एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर हमें एक रिवर्सल पैटर्न बनते हुए देखने को मिलता है, उसी समय आप RSI पर जब चेक करते हो तो RSI 40 के नीचे की जो ओवरसोल्ड जोन है वहां से होकर दोबारा से क्रॉस करके 40 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक एडेड कंफर्मेशन RSI से आ जाती है। इसी तरह एक अपट्रेंड के बाद अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देखने को मिलता है एक इंपॉर्टेंट की लेवल यानी रेजिस्टेंस जोन के नीचे और RSI भी 80-90 का एक जो ओवरबॉट जोन है वहां से होकर क्रॉस करके दोबारा 70 के नीचे निकल रहा होता है, तो यहां पर आपके पास अगेन RSI से एक एडेड कंफर्मेशन आ जाती है कि स्टॉक में एक करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसे हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, वो है वॉल्यूम इंडिकेटर, जिसका इस्तेमाल हम अपने ट्रेड सेटअप को कंफर्म करने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक रेजिस्टेंस के नीचे एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो चुका है और हम वहां पर शॉर्ट सेल करने जा रहे हैं तो वॉल्यूम्स की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो पैटर्न है और इसके बाद जो कन्फर्मेशन कैंडलस्टिक बनी है ये वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी के साथ, वॉल्यूम्स में इंक्रीज के साथ बनी है या फिर नहीं। और दोस्तों इस तरह हम मार्केट में फॉल्स सिग्नल्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जिसे अच्छे से समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज द EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोस्तों आप चाहे इक्विटी में ट्रेड करते हो या फिर इंडेक्स में या कॉमोडिटी में ट्रेड करते हो या फिर फॉरेक्स में, कहीं पर भी आप ट्रेड करते हो, किसी भी चार्ट पर आप अगर 20, 50, 100, 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस अप्लाई करते हैं तो आप वहां पर देखेंगे कि जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है, बिकॉज ये जो लेवल्स होते हैं ये डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। मान लेते हैं कि आप एक रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक एडिट कंफर्मेशन के लिए पहले ये देख सकते हैं कि प्राइसेस अपने शॉर्ट पीरियड EMA फॉर एग्जांपल 20 पीरियड EMA के नीचे क्लोज हुई हैं या फिर नहीं, और प्राइसेस अगर 20 EMA के भी नीचे क्लोज हो जाती हैं तो इसके बाद जो 50 पीरियड EMA होगा वो आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों एक ट्रेंडिंग मार्केट में जब कोई शेयर एक अनचार्टेड टेरिटरी में होता है और हमारे पास प्रीवियस इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हमारे पास कहीं ना कहीं नहीं होते हैं, तो इस तरह की मार्केट में EMA का इस्तेमाल हम लोग एक एडिट कन्फर्मेशन के साथ साथ डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर भी करते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।